हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी एक्टिविटी सीट नंबर 26 करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 6, 7, 8 तीनों स्टूडेंट की। तो सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक निकाल लेंगे। आपकी ये हिंदी की है, ठीक है? तो आप लोग इसे हिंदी की नोटबुक में करेंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक गुड न्यूज़ आने वाली है आप लोगों के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग फिर से गिफ्ट का गिव अवे स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम वीकली देते थे, ठीक है? वीकली हमने स्टार्ट कर दिया गया है। तो जो बच्चा वीडियो को कंप्लीट देखता है, ठीक है, और उसमें पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देता है, उसके घर पे गिफ्ट सेंड किया जाता है, ठीक है? अब काफ़ी बच्चों को डाउट किए हैं कि सर वो गिफ्ट किन बच्चों को मिलेगा। तो देखिए कि आप लोग, जो बच्चा मेरी वीडियोस को डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करता होगा, वीडियो को पूरी देखता होगा, क्वेश्चन का आंसर देता होगा, वो बच्चा डेफिनेटली जीत जाएगा। और इस वीडियो पर हम एम करते हैं 270 लाइक का। कितने लाइक का बच्चों? 270 लाइक का इस वीडियो पे हमारा एम है। तो लाइक का बटन सभी बच्चे दबा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 फरवरी की आपकी क्या है ये गतिविधि पत्रक नंबर 26 है। देखिए इसमें दिया गया, नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधि को पूरा कीजिए। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। उसका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता था, साथ में ही शिकार करता था। एक बार वो सभी उड़ते हुए किसी टापू पर पहुंच गए। वहाँ बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उसके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। देखो उन्होंने क्या सोचा कि अब तो हमें बहुत सारी मछली मेंढक मिल गए, अब हम शिकार के लिए कहीं नहीं जाएंगे, उन्हें ही हम खाते रहेंगे। सभी बिना मेहनत के भर पेट भोजन करते थे और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता, मित्रों हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपने शिकार की कला को मजबूती बनाए रखें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना भूल जाएंगे, इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे, यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि हमें आरामदायक जीवन छोड़कर सलाह दे रहा है। इस प्रकार शेष गिद्धों झुंड उस टापू पर जाने से मना कर दिया। तो जो बूढ़ा गिद्ध था समझदार, वो क्या है अपने वापिस जंगल में लौट गया। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उसने सोचा कि बहुत समय हो गया, उसने सोचा बहुत टाइम हो गया, चलो टापू पर जाता हूँ, ठीक है। ये अकेले कहाँ चला गया था? उड़ने चला गया था अपने शिकार करने। फिर उसने काफ़ी समय बाद आकर उन्हें देखा, अपने साथियों को मिलकर आता हूँ। वहाँ बूढ़ा गिद्ध जैसे टापू पर पहुँचा तो वहाँ की उसे दशा देख कर हैरान हो गया। वहाँ ऐसा क्या हुआ था जो हैरान हो गया था? वहाँ का दृश्य बहुत भयावह था, बहुत ही ज़्यादा भयानक था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध क्या थे? मर चुके थे। उसके सभी जो साथी थे वो मर चुके थे। वहाँ सिर्फ उसकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह अपने पास गया और वहाँ की दशा के बारे में पूछा। उसने बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते रहे, किंतु समय बीतने के साथ ही इस टापू पर मछलियाँ और मेंढक कम होने लगे। धीरे धीरे वहाँ भोजन समाप्त हो गया, क्योंकि हमें बहुत समय में ऊंचा उड़ने का आभास नहीं रहा, तो हम शिकार करना भूल गए। इस प्रकार भूख से हम एक एक कर मरने लगे। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया। तो ये थी पूरी इसकी स्टोरी। अब देखिए इसके हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। अब मेरा देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि जो आपने देखा इसमें गिद्ध दिया गया है, एक ठीक है नाम दिया गया है गिद्ध, ठीक है। तो आपको गिद्ध का बताना है, क्या बताना है इसको? साइंटिफिक नेम बताना है आपको, ठीक है। साइंटिफिक नेम किसका? आपको गिद्ध का बताना है, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे ये क्वेश्चन है आज का आपका, ठीक है, जो हम गेम खेल रहे हैं उसमें आपका ये क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर आंसर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर एक। दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई, उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ उच्चारण सीखिए और अभ्यास कीजिए।
ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ कठिन वर्ड आपको लिखने हैं। तो सभी बच्चे अपने अपनी नोटबुक निकालेंगे, हम लोग क्वेश्चन एक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर एक हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे आंसर नंबर वन। तो होपफुली आप सभी बच्चों ने इसका क्वेश्चन उतार लिया होगा। ठीक है, सभी बच्चे क्वेश्चन उतार लेंगे पहले, फिर हम लोग इसके आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ ही वर्ड थे इसमें, ज़्यादा इतने नहीं थे। देखो जैसे भयावह हो गया, ठीक है, एक नंबर पे हम लिख देते हैं भयावह, तो इसका मतलब क्या होता है, डरावना, डरावना। ठीक है, इसमें हम सेकंड लिख देते हैं सुविधाएं, आपको पता है। सुविधाएं का मतलब आप सभी को पता होगा क्या होता है, अच्छी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं थर्ड पे। देखिए एक और लिख देते हैं हम लोग निराश, निराश भी थोड़ा कठिन सा शब्द है, तो निराश में आपको क्या जाएगा इसका आंसर, आशा का अभाव। तो आपका आगे इसमें आशा का अभाव। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। यदि आपको बूढ़े गीत से कुछ सवाल पूछने हो तो आप क्या पूछोगे, बूढ़ा गीत उस प्रश्न को क्या उत्तर देता है, कोई तीन सवाल बनाकर उनका उत्तर भी लिखे। सिर्फ आपको तीन सवाल बनाने, कोई भी तीन आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप क्या आपका पूछ सकते हो गीत से, आंसर नंबर टू लिखेंगे हम लोग। ठीक है, आंसर नंबर टू का फर्स्ट करेंगे। तो आप गीत से क्या पूछोगे, गीत से आप पूछोगे आसमान। ठीक है, आप पूछोगे आसमान से धरती कैसी लगती है। तो ये आंसर क्या देगा गिद्ध आपको, अत्यधिक अत्यधिक सुंदर। ठीक है, सेकंड, आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता। ठीक है, आप उससे क्या पूछोगे, आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता, तो वो क्या कहेगा आपको, नहीं, क्योंकि भाई उसका तो काम ही उड़ना, उसे डर क्यों लगेगा, तो आपका ये नहीं हो गया। आप थर्ड उससे क्या क्वेश्चन पूछोगे, क्या आप मेरे मित्र बनोगे। ठीक है, तो वो क्या आपका आंसर देगा, हाँ। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब लास्ट चलते हैं, बूढ़े गिद्ध की किन्हीं तीन विशेषता के बारे में लिखिए। आंसर नंबर थ्री। ठीक है, देखिए विशेषता आपको बतानी है तीन, बूढ़ा गिद्ध। देखो तीन विशेषता बतानी है, अनुभवी अनुभवी, ठीक है, उसे बहुत ही ज़्यादा अनुभव था लाइफ का। ठीक है, मेहनती, और सही सलाहकार था। ठीक है, सलाह बहुत अच्छी देता था, सलाहकार था। तो ये आपका कंप्लीट होता है, तो ये आपका आंसर नंबर तीन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको क्या बता देता हूँ,
आई थिंक ये आपके लास्ट क्वेश्चन। एक कहानी से आपने क्या सीखा, अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। ठीक है, आपको उत्तर देना आपने क्या सीखा इस कहानी से। देखो आप लिखोगे, हमें आलस नहीं करना चाहिए, और मेहनत करते रहना चाहिए। ठीक है, मेहनत कभी नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत हमेशा करनी चाहिए। तो ये आपका 4 कंप्लीट होता है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ गेम के बारे में। किसके बारे में बच्चों? गेम के बारे में, कि आप लोग मान लीजिए जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है आपने वो आंसर दे दिया, ठीक है, लेकिन विनर कौन बच्चा बनेगा। ठीक है, काफ़ी बच्चों का डाउट है ये विनर कौन बनेगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अब मैंने थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया है, अब आप लोग सभी बच्चे मुझे दो जगह आपको आंसर बताना है, एक आपको इंस्टाग्राम पे और एक आपको यहाँ पे कमेंट करना है। ठीक है, दो जगह आप इसका मुझे आंसर देंगे, इंस्टाग्राम पे आंसर देंगे और कमेंट करके आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, अब मान लीजिए क्या होगा, आप लोगों ने यहाँ पे भी कमेंट कर दिया, इंस्टाग्राम पे भी कर दिया, तो मैं जिसका देखूँगा, जिसका बच्चे का यहाँ पे आंसर सही है, ठीक है, और वो डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करता है, ठीक है, 10 फ्रेंड को शेयर करता है, ठीक है, डेली वर्कशीट कर रहा है, 10 फ्रेंड के साथ शेयर कर रहा है और वीडियो को पूरी देख रहा है। ठीक है, जो बच्चा आधी देख रहा है उसको गिफ्ट नहीं मिलेगा, जो बच्चा वीडियो को पूरी देखता है, ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर देता है और इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझे आंसर दिया है और कमेंट में भी आंसर दिया है, तो बच्चों आप में से ही हर बच्चा जीत सकता है। ठीक है, वीकली कुछ कुछ नहीं पता, 3 बच्चे भी जीत सकते हैं, 4 भी, और काफ़ी बच्चे भी जीत सकते हैं जो बच्चा ये सब चीज़ फॉलो करेगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये मेरा यूट्यूब का दूसरा चैनल है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये यूट्यूब पे आप लोग क्या करोगे, इसमें लिखना है आपको द अल्टीमेट विक्ट्री। क्या सर्च करोगे आप? द अल्टीमेट विक्ट्री नाम से मेरा ये चैनल है, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना, व्लॉग चैनल है, क्योंकि इस पे बच्चों 10,000 जैसे ही कंप्लीट होगा आईफोन का गिव अवे किया जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ इंस्टाग्राम की आईडी। ठीक है, ये बच्चों इंस्टाग्राम की आईडी है, देख सकते हो, स्पेलिंग बच्चों पूरी आपको ये लिखनी है, SUGGETSIGHH, और आपको डैश लगाना है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली फ़ोटो आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये मेरी आईडी है, इस पर आप लोग सभी बच्चे फॉलो करके मुझे मैसेज कर देंगे आंसर। ठीक है, जिससे कि मैं आपसे अपना आपका एड्रेस लेकर और आपके घर पे गिफ्ट सेंड कर सकूँ। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।